LLB में ये सोचता था कि मैं बार करूँगा जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो एक्सटर्नल डिग्री के बाद बार करते हैं और मैंने भी सोचा था कि जिस तरह बाकियों ने किया मैं भी करूँगा. तो ये बांग्लादेश वाले जो कंपटीशन का जिसका मैं बताया था उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर जितना मैंने यहाँ सीख लिया है बार में मैं क्या सीख सकूँगा. बार में ना ही आपके पास जो है पीयर ग्रुप उस तरह का है जो स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं वो सेकंड लोअर सेकंड क्लास डिग्रीज जो मतलब है कि आप कहते हैं एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी आपके होते हैं. आपके प्रोफेसर भी कोई इतने अच्छे नहीं होते. जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन भी जो है बेसिकली ट्यूशन सेंटर्स हैं. लोग लिंकन्स इन कहते हैं ग्रेज़ इन कहते हैं. लिंकन्स इन ग्रेज़ इन जाके बंदा कुछ करता नहीं है सिर्फ वहाँ खाने खाते हैं और एक दो शायद चीज़ें वो करवाते हैं मूटिंग वगैरह थोड़ा सा उतर होता होगा. जितनी मूटिंग मैंने तब कर ली थी मैंने कहा वहाँ थोड़ी सी और करके क्या फ़ायदा उसका. और दूसरा जो था वो ये था कि वही अगेन द इंस्टीट्यूशन देमसेल्व्स वरंट दैट ग्रेट. सो ऑन द प्लेन बैक फ्रॉम बांग्लादेश में मैंने सोचा कि ये बाहर का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है एंड वट वन शुड डू इज़ एन LLM फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी. तो इसलिए एंड नाउ आई ऑलवेज मुझसे जब भी कोई अगर पूछे तो मैं कहता हूँ बार इज़ कम्प्लीटली यूजलेस एंड इट शुडन्ट बी डन एंड फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेवल ऑल्सो वी शुड स्टॉप.